हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भी कई साल से नौकरी कर रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं और इसके बावजूद भी आज भी आपके बैंक अकाउंट में पैसों की कमी है? आज भी आप पैसे के लिए परेशान हैं कि कहां से पैसे आएं? ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे देश में जिन्हें इन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने बहुत सारे पैसे कमाए होते हैं, नौकरी से भी बहुत पैसा कमाया होता है, बिजनेस से बहुत पैसा कमाया होता है, लेकिन खर्चे इतने बढ़ जाते हैं कि वो सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और बैंक अकाउंट में लगातार पैसों की कमी चलती रहती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने पैसों की कमी दूर कर सकते हैं। आप बिजनेसमैन हैं, आप नौकरी करते हैं या आप कुछ और करते हैं, जो भी आप करते हो, आज मैं आपको चार ऐसे तरीके बताऊंगा जिन्हें अगर आपने अपना लिया तो आपके बैंक अकाउंट में पैसों की कमी बिल्कुल नहीं रहेगी। तो बिना किसी देरी के चलिए जानते हैं इन चारों बातों के बारे में। देश को आगे बढ़ाना है, मिलकर हमें सबको बढ़ाना है। वेलकम इन मनीलैंड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पैसों की कमी को दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका है अपने इनकम सोर्सेज को बढ़ाना। सबसे पहला तरीका, सिंगल इनकम सोर्स पे कभी डिपेंड ना रहें। दोस्तों, अगर आपकी सरकारी नौकरी है या कोई भी नौकरी है, सिर्फ उस नौकरी के पैसों पे कभी डिपेंड ना रहें और छोटा सा कोई साइड का बिजनेस शुरू कीजिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो कुछ और नया शुरू कीजिए, साइड में कोई और बिजनेस शुरू कीजिए, या फिर अपना घर कोई पुराना है आपके पास में उसे किराए पर दीजिए। ऐसे ऐसे छोटे छोटे काम आप साइड में शुरू कीजिए, ठीक है, और अपने इनकम सोर्सेज इससे बढ़ाइए। इससे क्या होगा कि आपके पास में एक से दो इनकम सोर्स हो जाएंगे। तो एक साइड की मान लीजिए सैलरी या बिजनेस का पैसा आपके घर में खर्च हो रहा है, तो दूसरी साइड का कम से कम आप बचा लिया करेंगे और वो आपके बैंक अकाउंट में चला जाया करेगा। तो ये तो था दोस्तों सबसे पहला तरीका। दोस्तों, दूसरा तरीका है सबसे ज़्यादा पैसे बचाने का और पैसों को इकट्ठा करने का, फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए। दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है? आप अपने जितने भी खर्च हैं जो आपके होने ही होने हैं, जैसे बच्चों की फ़ीस हो गई या आपकी कॉलेज की फ़ीस हो गई या कोई और खर्चा, गाड़ी का तेल हो गया, तो जितने भी आपके ऐसे खर्चे हैं जिन्हें कोई नहीं रोक सकता, घर का किराया हो गया, घर का बिजली का बिल हो गया, उन सबको एक डायरी बनाइए, उसमें लिखिए कि इतना तो मेरा खर्च होना ही होना है और इनमें से मैं कितने पैसे बचा सकता हूँ। तो ये तरीका भी काफ़ी अच्छा है। अगर आपके पास फाइनेंशियल प्लानिंग होगी, आपको पता होगा कि कितने पैसे आपको बचाने हैं और आपके खर्च क्या क्या हैं, तो पैसे रोकने में आपका दिमाग ज़्यादा काम करेगा। दोस्तों, तीसरा तरीका है डिसिप्लिन में पैसे बचाना। दोस्तों, अगर आपकी कोई नौकरी कर रहे हैं आप और वहाँ से आपकी जो सैलरी आ रही है वो कभी कभी ज़्यादा आ जाए, या फिर आपका कोई बिजनेस है तो वहाँ से आपको बिजनेस में ज़्यादा कमाई हो जाए किसी दिन, तो उन पैसों को बचाना सीखिए। हो सके तो अपने घर में भी किसी को मत बताइए कि आपको सैलरी में बोनस मिला है या फिर आपकी जो बिजनेस है उसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा हो गया है। ज़्यादा लोगों को इन बातों के बारे में ना बताइए। अगर आप घर में भी आप ये बातें ज़्यादा बताएंगे तो आपके घर वाले भी आपसे रिक्वेस्ट करने लगेंगे नई नई चीज़ों की और नए नए खर्चों की। तो अगर आप सच में पैसे बचाना चाहते हैं तो अपनी सैलरी का 10-20% का हिस्सा रेगुलरली बचाएं और जितने भी प्रॉफिट हों, जितना भी आपको बोनस मिले सैलरी में, उसे भी बचाएं और किसी को ज़्यादा ना बताएं इसके बारे में। ये सबसे बढ़िया तरीका होगा अगर आप अपने बैंक अकाउंट में आपको पैसे जमा करने हैं, आप अपने बैंक अकाउंट को भरना चाहते हैं पैसों से, तो इसकी आपको ज़रूर आदत डालनी होगी। दोस्तों, फोर्थ तरीका है पैसे बचाने का और बैंक अकाउंट को भरने का, एक्सपेंसेस पे कंट्रोल कीजिए, खर्चों पे कंट्रोल कीजिए। कई बार दोस्तों ऐसा होता है, हमें बाइक या गाड़ी खरीदनी होती है, हम शोरूम में जाते हैं, खरीदनी थी हमें मान लीजिए गाड़ी 5 लाख की, ठीक है, और मन हमारा आ जाता है 7 या 8 लाख की गाड़ी पे, तो हम ज़्यादा खर्चा कर देते हैं और महंगी गाड़ी खरीद लेते हैं। ऐसे ही हम किसी भी प्रोडक्ट को लेने जाते हैं, कहीं पे हम कोई भी सामान खरीदने के लिए जाते हैं, खरीदना तो होता था हमें 1000 रुपये का सामान, खरीद के आते हैं हम 2000 का। तो ये गंदी आदतें होती हैं पैसों को उड़ाने की, जिनसे आपको दूर रहना होगा। खर्चों को कंट्रोल कीजिए, बस इतना खर्चा कीजिए जिसमें आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाए कि हाँ, मैंने जो मेरा काम होना था, जो मुझे खर्च करना था, वो मैंने कर दिया है, ठीक है। इतना कीजिए, ना कि इतना कि बस मैं तो इसे भी खरीद लूँ। इन आदतों को अच्छे से सुधारिए, अपनी अच्छी आदतें डालिए, पैसे बचाने की आदतें डालिए, पैसों को रोकने की आदतें डालिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ में और हमारे YouTube चैनल मनीलैंड को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।